आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर गेहूं की बिक्री करने वाले किसानों की संख्या में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021-22 में रिकॉर्ड 49,19,891 किसानों ने MSP पर गेहूं की बिक्री की थी, लेकिन इस साल यानी रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 में ऐसे किसानों की संख्या सिर्फ 17.85 लाख ही रह गई है। इससे अधिक संख्या तो 2016-17 में थी, जब 20.46 लाख किसानों को गेहूं की MSP मिली थी। हालांकि सरकारी एजेंसियों का दावा है कि गेहूं MSP के लाभार्थियों की संख्या घटने के बावजूद किसानों की कमाई बढ़ी है। आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ? सवाल ये भी है कि जब साल दर साल MSP पर गेहूं बेचने वाले काश्तकारों की संख्या में इजाफा हो रहा था, तो फिर अचानक इस साल इतनी कमी कैसे आई है? दरअसल ज्यादातर किसानों ने इस बार सरकारी मंडियों में गेहूं बेचा ही नहीं, क्योंकि MSP ओपन मार्केट में मिलने वाले गेहूं के रेट से कम पड़ रही थी। ऐसे में किसानों को सरकारी केंद्रों पर गेहूं बेचना घाटे का सौदा लगा। सरकार का दावा है कि किसानों ने मंडी से बाहर गेहूं बेचकर MSP के मुकाबले ज्यादा कमाई की है। वहीं आम तौर पर ओपन मार्केट में गेहूं सरकारी दाम यानी MSP के कम भाव पर बिकता है, इसलिए मंडियों में उसे बेचने वालों की मारामारी होती है। लेकिन इस साल मार्च में हीट वेव की वजह से कम हुई पैदावार और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बदले अंतर्राष्ट्रीय हालात ने गेहूं को सोना बना दिया है, इसलिए व्यापारियों ने MSP से ऊंचे दाम पर जमकर गेहूं खरीदा और सरकारी मंडियों जो थी वो सूनी रही हैं। इसलिए MSP पर गेहूं बिक्री करने वाले किसानों की संख्या में रिकॉर्ड गिरावट आई है। कई मंडियों में गेहूं 2600 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। वहीं जब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने वाले किसानों की संख्या कम हो गई, तो फिर इसकी MSP पर मिलने वाली रकम में भी भारी गिरावट होना तय था। केंद्र सरकार ने बताया कि 2022-23 में MSP पर गेहूं की बिक्री करने वाले किसानों को 37,859.34 करोड़ रुपए, जबकि 2021-22 में 85,603.57 करोड़ रुपए मिले थे। अब तक सरकार 187.89 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। वहीं जबकि पिछले साल यानी 2021-22 में 443.44 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। इस साल भले ही किसानों ने MSP पर बहुत कम गेहूं बेचा, लेकिन एपीडा यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज का अनुमान है कि गेहूं बेचकर किसानों की कमाई अच्छी हुई है। एपीडा के अनुसार इस बार किसानों को ओपन मार्केट में गेहूं का दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से औसतम 135 रुपए प्रति क्विंटल अधिक मिला। किसानों को गेहूं का औसत रेट बता दें 2150 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मिला है, जबकि MSP सिर्फ 2015 रुपए है। वही अनुमान है कि 2150 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से किसानों ने गेहूं बेचकर लगभग बता दें 95,460 करोड़ रुपए कमाया है, जबकि MSP पर गेहूं बिकता तो सिर्फ 89,466 करोड़ रुपए मिलते। गेहूं किसानों को MSP की तुलना में बता दें कि 5,994 करोड़ रुपए अधिक कमाई होने का अनुमान है। बता दें कि इस बार सरकार ने 444 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।